आप सभी देख रहे हैं दीपक शर्मा के साथ हरियाणा अपडेट डेली न्यूज चैनल। इस चैनल पर रेवड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती रोजाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो ओपीडी है सिविल हॉस्पिटल में अब ओपीडी स्टार्ट कर दिया गया है। डेढ़ महीने के बाद अब सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी पहले की तरह सुचारू रूप से काम करने लग गया है। जो कोरोना केस बढ़ने की वजह से ओपीडी बंद कर दिया गया था, अप्रैल के लास्ट सप्ताह में ओपीडी देखना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से ये स्टार्ट हो गया है। इससे काफी लोगों को सुविधा मिलेगी। 1500 लोगों का रोज 1500 लोगों का इलाज करता है ये सिविल हॉस्पिटल। अब कोरोना की वजह से काफी दिनों से बंद था, लेकिन अब फिर से ओपीडी स्टार्ट हो गया है। इसलिए आप अगर कोई समस्या है तो आप सिविल हॉस्पिटल में जाकर परामर्श ले सकते हैं। दूसरी खबर की बात करेंगे कि 18 प्लस वालों के जो टीकाकरण था अभियान चल रहा है, 2 मई से स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है। उसके लिए अब 5000 की डोज और दे दी गई है। बड़ी खुशी की बात है कि कल 9500 डोज मिली थी, अब 5000 डोज और मिलने की वजह से अब जो टीकाकरण का अभियान है वो रफ्तार पकड़ने लग गया है। अब आप जो 18 प्लस वाले हैं, उन पहली डोज वाले हैं, वो अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर अपने जाके टीका लगवा सकते हैं। लेकिन 45 प्लस के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रकार का अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा केंद्र पे जाएं और टीका लगवाकर आ जाएं। दूसरी बात यह है कि जो 18 प्लस की जो दूसरी डोज लगनी है उसके लिए भी कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा केंद्र पे जाएं और अपने जो दूसरी डोज है वो लगवाकर आ जाएं। तीसरी खबर की हम बात कर लेंगे तो आपको बता दें कि जो विराट हॉस्पिटल है, जो सर्कुलर रोड पर स्थित विराट हॉस्पिटल में 25 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत हो गई थी, उसके लिए अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशक को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जांच की जाए, 15 दिन में रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। तो जब स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी जो सर्जन है उसको भी एक पत्र लिखकर पूरी की पूरी जानकारी निकालने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन तक आप हमें रिपोर्ट सौंपेंगे। डीसी यशेंद्र सिंह ने भी एक बैठक बताई थी, लेकिन वो अपना जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं कर पाई थी। 40 दिन हो गए थे, अब 40 दिन बाद फिर से विराट हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जाएगी, उसकी पूरी जांच की जाएगी। चौथी खबर हम बात कर रहे कि जो सोना का भाव है, गोल्ड प्राइस है, वो 92 रुपए टूटकर 48,424 रुपए हो गए हैं, जबकि चांदी 414 रुपए टूटकर 70,181 रुपए पर आ गई है। हम पांचवी बात करेंगे, जो कई लोग होते हैं जो जमीन की फर्ज निकलवाने के लिए पटवारी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो अब वो आप चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डीसी सुंदर सिंह ने कहा है कि रेवाड़ी की जो सभी जमीन की फर्ज है, जो जमीन की डाटा है, वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब आप जमाबंदी.nic.in पर जाकर अपनी जो जमीन अपने गाँव का नाम भरना है और रकबा भरकर आप अपनी जमीन की फर्ज निकलवा सकते हैं। अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना था कि जो पटवारी के पास है जाते हैं तो वहां पर बैठने के लिए भी सुविधा नहीं मिलती है और पटवारी टाइम पर नहीं मिलता और काफी दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं कि जमीन की फर्ज निकलवाने के लिए। तो आप बिना किसी चक के जमाबंदी.nic.in पर अपने जो गांव का नाम भरकर और रकबा भरकर आप अपनी जमीन की फर्ज निकलवा सकते हैं। लास्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जो आरटीए है, वहां आरटीए के से जाली सर्टिफिकेट दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरटीए से एक पिकअप की जो मेंटेनेंस की सर्टिफिकेट दिलाने का झांसा देने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। आरोपी की पहचान ददौली गांव के निवासी के रूप में हुई है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहे हमारे चैनल को, देखा।